गौर से देखिए इस इंसान को, जो इंसान रूम में जाने के लिए है, ये मेरा देखा देखी मेरा मास्क लगा लिए हैं और अब ये अपना चेहरा नहीं दिखला रहे। आखिर इसने किया क्या है ऐसा? Hey guys, hi and welcome back to my channel Living Life with Sneha। एंड कैसे हो आप सब? आप सभी की दुआओं की वजह से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑक्सीग्लो हर्बल का ब्लैक मास्क लगाया है और ये बहुत अच्छा मास्क है, खासकर कि हम लोग के स्किन टोन के लिए, और पूरा अच्छे से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स सब चीज़ रिमूव कर देता है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। क्यों इरिटेट कर रहे हो उनको? क्यों इरिटेट करो बताओ, गौर से देखिए इस इंसान को, जो इंसान रूम में जाने के लिए है, ये मेरा देखा देखी मेरा मास्क लगा लिए हैं और अब ये अपना चेहरा नहीं दिखला रहे। आखिर इसने किया क्या है ऐसा जो ये अपना चेहरा नहीं दिखला रहे हैं? गौर से देखिए इस इंसान को। मम्मी फाइनल ये मेरा मास्क लगा करके आए हैं, इस वजह से ये अपना चेहरा नहीं दिखला रहे थे। अपना ब्लॉग बना रहे हैं। बिकॉज वो लेयर बनाना होता है। मम्मी उठाए, एक लेयर मार लिया है, वो उसका भी उखड़ता है, ऐसे ही नहीं आता। And I got my thumbnail too। दर्द होता चारकोल से आँख में जलन चारकोल से आँख में जलन होता है। अबे इसका महक होम्योपैथिक से भयानक है भाई। चक्कर आ रहा है? चक्कर नहीं आ रहा है, आँख नहीं खुल रहा मेरा। तुम्हें चक्कर आ रहा है? तुम्हें नींद आ रही है? नहीं। मम्मी डाल लो उसको। कैसे निकले? मम्मी चारकोल से होता है। धो लो खाना। पहले थोड़ा लाइट्स जलाएं। मम्मी लगा लियो भाई, लगाने के बाद शक्ल पे फर्क तुरंत पड़ता है कि उसको उखरेगा तब पड़ेगा। ये डबल लेयर लगता है, ट्रिपल लेयर, मोटा लेयर लगता है तब वो उखड़ता है। ये उखड़ेगा कभी भी किसी जन्म में? हाई धोना पड़ेगा, ऑफ कोर्स धोना। तो ये जो पतला लगा है तो उसको तो ऑफ कोर्स धोना पड़ेगा, बट अगर लेयर मेरा इतना मोटा लगाओगे तो फिर उसको उखाड़ना पड़ेगा। एंड उखाड़ने में भाई साहब और लेयर लगा। इसको देते हैं गाइस चारकोल मास्क। मेरा कहाँ गया? ओए रखा किधर है? अरे मेरा मास्क कहाँ रखा हुआ है? अरे किधर रख दिया हो भाई? सही वाला मास्क है गाइस। ये लो लगाओ ना। नहीं तुम लगाओ खुद से। इसमें है ही नहीं, तुमको निकालने नहीं आता। लाइए इसमें है ही नहीं, हम निकाल के आपको देते हैं। थोड़ा सा तो मेरा अंगूठे पे भी गिर गया। वाह। और नीचे पर्स पे भी गिर गया। वाह चलिए हाथ लाइए। कितना रोटी हो गया मम्मी? दस। चलो बैठ के रोटी मत गिनो। निकला इतना ज्यादा? अभी तो और लेयर लगेगा भाई साहब, तुम हो कहाँ? और आँख पे नहीं लगता है, जो तुम आँख पे लगा रहे हो अंडर एरिया में भी नहीं लगता है। अंडर एरिया क्या होता है? अंडर आई। भाई वो जो हु वही वाला तुम लग रहे हो सीन। तुम तो फिर भी ठीक लग रहे हो, हम तो ढंग से लगाए। ठीक लग रही हो? अभी भाई तुमको अगर देखा दिया तो फिल्म वाला तुमको ले लेगा हो ला ला हो में। कम से कम ले तो लेगा ना, तुमको देख तो मार जाएगा। ऐसा क्या? हम लोग चारकोल खेल रहे हैं। उधर नहीं लगता, जब वो छूटेगा तो बहुत दर्द करेगा अगर बाल में लग जाता है तो। अब तो दाढ़ी है तो क्या करें? जितना एरिया नहीं है जहाँ पे वहाँ पे लगाओ ना। छूटेगा तो फिर वो दुखेगा, और लेयर लगेगा, उतना पतला भी नहीं लगता है। हेलो और यार दाढ़ी में लगा दी। हाँ तो अब जब उखड़ेगा ना तो फिर प्राण सूखेगा।
मेरे को भी बना लो। चलो मेरे पास वीडियो बनाने का क्या चार्ज दोगे? कचौड़ी खिलाएंगे। नहीं हमको कचौड़ी नहीं खाना, पानी पूरी खाना। अभी आएगा ना बेचने के लिए, उससे खाना है। वो ऐसे कर मोटा लेयर लग रहा है, डंबल लगा रहे हैं जो रोड में नहीं लगता। लाओ को ट्रक लाओ, टेस्ट ड्राइव करो, कहीं चल रही है। इसका मैं एक होम्योपैथिक से भी बयान है भाई, चारकोल और एक्टिवेटर उसमें मिक्स रहता है, तो ना एक्टिवेटर क्या होता है? जलन देता है। जलन नहीं दे रहा है बस झांस लगता है जैसे प्याज वैस का। अब नहीं लग रहा, पहले लग रहा था। अब ये सूखेगा ना तो और नहीं लगेगा। अब ऐसा भी मत लगा कि एक जगह मोटा एक जगह पतला लग जाए, क्लियरली लगाओ ढंग से। इससे वो हो गया, चेहरा साफ होता है। और क्या होता है? ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स व्हाइट हेड्स क्या होता है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हमको नहीं मालूम क्या होता है, जब साफ होएगा चेहरा तब हमसे बात करना। बेटे ओ बेटे माज कर दी, हां माज कर दी, वाह बेटे वाह। लगा लगा दाढ़ी में, लगा दाढ़ी में, लगा जब उखड़ेगा ना तो समझ आएगा। अखबार में घुसा लो, एक था ना गुलाब से, अबे बाल चिपक गया इसमें कई थे, और चिपक जाएगा तो फिर उखड़ जाएगा और उखड़ जाएगा बाल। मस्त लग रहा है, किस नजर से आप अपने आप को देख रहे हैं? क्या मस्त लग रहा है, चलिए शक्ल दिखाया जाए। हुला ला ला हु हुला हुला ला ला तुम कर रही हो शादी वासी जैसा। और ये मैंने अपना चारकोल लगा लिया अपने फेस पे, मेरा ये देखा देखी गया है लगाने की। अभी इन सब को भूख लगा हुआ है, जैसे ही इसे उंगली रखेंगे ना ये सब आ जाएगी, लपकने लगेगी, सबको भूख लग गया है। खाना दो जी सबको, सबका टाइम हो रहा है। भूख लगी है, भूख लगी है क्या? देखो जैसे ये नज़दीक आएंगे ना ऐसे करेंगे ना बस, तो सब की सब आ जाएगी, जैसे लग रहा है खाना दे रही है सबको। सबका खाने का टाइम हो ही गया है, तो भाई मेरा खाना देगा सबको। क्या बोल रही हो? ये मेरा कॉपी क्या है मम्मी? ये मेरा मम्मी ना कभी भी ऐसे उखाड़ने वाला कुछ नहीं लगाती, वो पार्लर से भाग जाती है चेयर पर से उठ करके कि नहीं मुझसे नहीं होगा। नहीं मम्मी नहीं लगाई, उसको दिक्कत, अरे उसको दिक्कत होता है ना अंदर नाक में लगाना है इसको ना, वो माइंड गेम है इसके साथ, दिमाग पे सोच लेती है ना। ये मेरा चिटर किया, चिटिंग तू लगाई तो हम भी लगाएंगे। नया दी हम लोग को कहती है ना क्या कि तुम लोग कैमरा से कैमरा खेलते हो, पहले से ही था कि डंटा डंटा उठाता था, तुम लोग कैमरा कैमरा उठाते हो एक दूसरे के लिए। बोले थे ना कि मत चिपकाओ बाल पे दर्द करेगा, समझे नहीं तुम? कर 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 अंदर से होगी तो क्लियर चेहरा दिखेगा। देखो प्रॉपर सूख गया, अब यहाँ पे दिखेगा बाल पे है ना। वाह आँख के ऊपर भी लगा बेटा, आँख के ऊपर नहीं लगता, डेलिकेटेड एरिया पे सब चीज नहीं लगता। हटाओ ना, 20% निकल गया, कुछ परसेंट और बाकी। अरे वाह समझ में आ रहा है।
तो चारकोल फेस फर्स्ट गोज रॉन्ग हो गया। क्या ही अजीब चीज है, काफी बढ़िया चीज है। अभी और दर्द करेगा जब ये बाल के पास आएगा ना। ऐसा लग रहा है टेप निकाल रहा है। आया रे आया रे बजा मुझको तो आया रे। अरे बाप रे, मना किए थे कि मत डालना वहां पे। अरे हमको क्या पता। फाइनली निकल गया गाइस, देखा फेस, देखो कितना क्लियर हुआ फेस तुम्हारा। ऐसा क्लियर फेस भगवान दुश्मन को भी ना। अरे तो तुमको लगाने का तरीका आना चाहिए ना, जहाँ पे हेयर है वहाँ पे नहीं लगता है, पहले ही बताए थे बट तुम सुने ही नहीं मेरा बात वहाँ पे। गाइस उसका तो फेस पैक निकल गया, बारी है मेरी, मैं भी अपने निकाल रिमूव कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ। पता नहीं यहाँ से निकल क्यों नहीं रहा मेरा फेस पैक, कोशिश तो कर रही हूँ कि ये निकल जाए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया, दिन को ज़्यादा ही ज़्यादा चिपक गया। मेरा एंड चारकोल फेस मास्क आप देख सकते हो, लगाने के बाद मेरा कितना ज़्यादा स्किन एकदम नेचुरल ग्लो कर रहा है, और बहुत ज़्यादा जितने भी पोर्स वगैरह हैं सारे ओपन हो जाते हैं, और जितना भी आपका वाइट हेड ब्लैक हेड से सब चीज़ निकल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है स्किन मेरा। सो सब चीज़ हो चुका है, पहले लाइट जला देती हूँ, थोड़ा सा लाइट आ जाएगा। हाँ सब कुछ हो चुका है, मैं बैठी हुई हूँ और भी कुछ करने को है नहीं। मेरी फेशियल क्रीम कितनी अच्छी लग रही है ना, ये देखो कितना ज़्यादा इसमें ब्लू कलर का लाइट है, इस वजह से पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है, और एकदम पूरा नया चेंज कर दिया है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लैक और ब्लू एकदम, मैं वो क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अभी यही सब चल रहा है, सब लोग अपना अपना कुछ कुछ काम है, आज सैटरडे है ना, तो इस वजह से सब लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं अपना, और वीक ऑफ है तो मतलब आराम करना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना खाना पीना यही सब में हम लोग लगे ही रहते हैं, तो ये सब अभी चल रहा है। और एकदम स्किन ग्लो कर रहा है ना, ग्लोई ग्लोई लग रही हूँ मैं, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। सो गाइस शाम का टाइम है एंड जा रही हूँ थोड़ा बहुत स्नैक्स बनाने के लिए, थोड़ा सा खोपचे में घुस रही हूँ बिल में। सोच रही हूँ चूड़ा वगैरह सब बनाऊँ, पोहा जिसको बोलते हैं बहुत लोग, बहुत लोग क्या सब लोग पोहा ही इसको बोलते हैं, बट हमारे यहाँ यूपी बिहार में इसको चूड़ा बोलते हैं। ये है पोहा, तो देखते हैं कुछ स्नैक्स बनाने का, क्योंकि शाम का टाइम है, सबको थोड़ा मोड़ा शाम के टाइम में ना छोटा छोटा छोटी छोटी भूख लग जाती है, तो वही अभी बना रहे हैं। और मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करते बिकॉज मम्मी का फास्टिंग चलता रहता है ना, तो उसमें डिस्टर्ब करना इज नॉट गुड। हाँ क्या बोल रहे, छोटा वाला कढ़ाई में ऐसे करना, और एक पैन देखो इसमें है उसी में है, ठीक है। तो स्नैक्स बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं शाम के चाय पे।
तो गाइस रेडी हो गया हमारा पोहा और चाय, और ये आज हमारा इवनिंग स्नैक्स है। एंड शाम में शाम चाय के बिना अधूरा अधूरा लगता है, तो विदाउट चाय या कॉफ़ी शाम नहीं मज़ा आता। तो पहले पोहा एंजॉय करते हैं, फिर चाय पीते हैं और शाम एंजॉय करते हैं। मुझे अच्छा बाहर भी जाना था बट मेरा जाना कैंसिल हो गया, मे बी मैं कल जाऊँ। तो अभी शाम में कुछ करने को है, आज मैं दोपहर से मुझे कुछ करने को नहीं था। नहाने के बाद से मैं एकदम फ्री फ्री इधर से उधर वैली की तरह घूम रही हूँ, पता नहीं। हाँ पापा, तो अभी शाम में इंजॉय कर रही हूँ पोहा और वो चाय चाय चाय। ये देखो चाय, चाय मम्मी बनाई है, पोहा बनाया। अरे मम्मी चाय अच्छा बनाया मम्मी। मैं तो ब्रेकफास्ट मिलती हूँ स्नैक्स करने के बाद। हमारा चाय बन रहा है और ये जो लड़का है ये हमसे अभी रात में चाय बनवा रहा है। रात का बज रहा है 12:30 और ये देखिए यहाँ पे चाय बनवा रहा है और यहाँ पे मेरा ही खाना खा रहा है। खुद खा लो ना लेकर के। क्यों नहीं खा रहे हो खाना, खाओ तो खाना खा लो ना। रोटी तो है नहीं, दिन है रोटी भुजिया नहीं, तो फिर चाय पियोगे तो फिर चाय ही जिंदगी है और क्या। तो यही सब चल रहा है अभी। जनाब का थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से मेरा इसको चेहरा इसको सही से नहीं दिख रहा है बिकॉज थोड़ा सा लाइट का कमी है। चाय भी हो ही गया है तो कब चाय बनाना है। खा लो सारा, खा लो तुम एक रोटी कंप्लीट खा लो। इसीलिए तुम्हारा तबीयत खराब लग रहा है क्योंकि तुम्हारा ये नहीं ठीक, खाना नहीं खाए हो सही से, है ना ये रीजन। इसको छानो ना, छोड़ो गया काला चाय हो रहा है, बंद कर उसको। गाढ़ा होएगा ना चाय? नहीं ठीक है, मतलब इधर से पैन पकड़ो, ये पकड़ो। चलो बस ये करते हैं चाय पी के और अब हम चले एडिट करने। गाइस ये रहा मेरा आज का डिनर जिसमें से थोड़ा सा रोटी ये खा चुका है ये लड़का। और सो बेस्ट पार्ट इज कि हमारी बुआ जो है डिज़र्ट भेजी है, और अभी दीदी गई थी तो वहाँ पे से बुआ भेजी है और मैं दिखलाती हूँ कि उसमें है क्या। तो ये देख सकते हो ये है तस्मई, खीर की तरह ही होता है, एकदम प्योर मिल्क में बनता है, बहुत लोगों को मालूम होगा तस्मई के। और ये देखो ये मिट्टी के बर्तन में भेजी है बुआ, इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर है। तुम देख रहे हो कितना गाढ़ा है कि वो निकल नहीं रहा है प्रॉपर, बहुत मस्त बनाती है वो। तो दीदी गई हुई थी तो बोली कि लेते जाओ, तो बहुत सारा तस्मई भेजी है इसी तरीके से कप में कर करके। तो अभी टाइम देख सकते हो आप 12:30 हो रहा है रात का, और अब जा करके मैं कर रही हूँ डिनर। तो यही सब चल रहा है, थोड़ा बहुत ये सब चल रहा है। शाम में व्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाई आज, मतलब दोपहर से शाम के बीच में ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, थोड़ा मोड़ा ही बनाया मैंने। एंड अभी बिकॉज आज थोड़ा सा मेरा स्टडी था, बिकॉज मेरे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह है, मतलब रिविज़न वगैरह सब चीज़ करना पड़ता है। तो और प्लस फेस्टिवल भी है, तो हर चीज़ को एकदम अप टू डेट कर लूँगी तो मेरे लिए ही बेस्ट होएगा। तो इसलिए अभी 12:30 हो रहा है, व्लॉगिंग थोड़ी सी कम हो जा रही है आई नो, बट प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोगों को फटाफट से मिलते रहें। तो चलो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय, सी यू सून।